चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस। विभव शुक्ला के साथ। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप क्वालिटी से रिलेटेड हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, और साइट पे जब भी कोई पीसीसी या आरसीसी का माल आता है तो आपके उसके मिक्स डिजाइन को, क्वांटिटी को, कितना सीमेंट लगा, कितना वाटर यूज हुआ, वाटर का रेशियो क्या, वाटर टू सीमेंट रेशियो, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है, चाहे वो 10 mm का हो चाहे वो 20 mm का हो, तो इन सब चीज बेसिक कैलकुलेशन को जानने के लिए आपको M20 का जो बेसिक जो डिजाइन स्टैंडर्ड है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज M20 सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेशन, कि M20 ग्रेड में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कितना होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा रिगार्डिंग दी कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इन ग्रेड ऑफ M20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होगी। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरीज हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मटेरियल कैलकुलेशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता क्या है। M से हम डिनोट करते हैं मिक्स, इन सारे मटेरियल्स का मिक्स। कौन कौन से मटेरियल हैं? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो ये M डिनोट करता है मिक्स। 20 क्या होती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी यूनिट होती है 20, m के साथ जो ये 20 लिखा हुआ है। अब M20 का जो रेशियो है स्टैंडर्ड वो क्या है? 1:1.5:3। ये क्या कहलाता है? रेशियो, यानी 1.5:3 का रेशियो। ये जो पहला जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं सीमेंट का रेशियो होता है 1, उसके बाद जो 1.5 यानी 1.5 जो ये सैंड के लिए रेशियो होता है, उसके बाद जो लास्ट होता है वो 3, वो होता है आपका एग्रीगेट का रेशियो। एग्रीगेट 20 mm का भी हो सकता है और 10 mm का भी हो सकता है, दोनों की मिक्स जली आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप एक का निकाल लोगे तो अगर आपका उसमें 10 mm का यूज हुआ तो आप सिंपली उसको भी निकाल लोगे, तो इसमें हम 20 mm को ही लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं पहला हमारे क्या स्टेप है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को डिजाइन करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा है एज्यूम वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। आप वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट को कितना मान के चल रहे हैं? तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो है मेरा 1.0 क्यूबिक मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं एम क्यूब, यानी हम 1 m³ लेके चल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हमारा। ये जो आपका 1 m³ होता है, ये जो 1 m³ मैंने एज्यूम किया यही, इसको बोलते हैं वेट वॉल्यूम। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की कितनी क्वांटिटी है। सो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है वेट वॉल्यूम, दूसरा होता है ड्राई वॉल्यूम। ओके, ये दोनों चीजें क्या हैं? तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट क्या है। जो ये जो एज्यूम किया था हमने 1 volume ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, यही होता है आपका क्या? वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहां पे हम लिख देते हैं 1.0 m³ जो है मेरा वो क्या है? वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। दूसरा हमारा क्या है? ड्राई वॉल्यूम। अब हम ड्राई वॉल्यूम को निकालेंगे अपने यहाँ पे, ये जो बी पॉइंट है। सो ड्राई वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जो वेट वॉल्यूम है उसमें हम लोग 1.54 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1.54 के ऊपर एक वीडियो बनेगी, वो भी आप देख लीजिएगा क्यों हम लोग 1.54 लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो कि कॉन्क्रीट में यूज किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में। इसकी वैल्यू आप 1.50 से 1.55 ले सकते हैं, कुछ केसेस में 1.57 तक भी ले जा सकते हैं। सो ड्राई वॉल्यूम इस केस में मेरा कितना हो गया?
वेट वॉल्यूम हमने 1 मान रखा है और ये वैल्यू है 1.54, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 1.54 एम क्यूब। तो ड्राई वॉल्यूम हो गया मेरा 1.54 एम क्यूब। अब बात करते हैं सम ऑफ रेशियो क्या है। M20 ग्रेट कंक्रीट का सम ऑफ रेशियो होता है ये 1.53, इसको आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1 1 प्लस 1.5 प्लस 3, ये जो आपको देगा वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5.5, ये हो गया आपका सम ऑफ द रेशियो। अब थर्ड पॉइंट है फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट की कितनी क्वांटिटी हमें ये पता लगाना है। तो अब सीमेंट जो है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, सीमेंट का कितना हिस्सा है 1 हम मान रहे हैं रेशियो में, डिवाइड बाय रेशियो कितना है हमारा 1.55 इनटू इनटू जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया था हमने यहाँ पे 1.54, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.28 एम क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा 0.28 एम क्यूब। अब सीमेंट की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 के जी पर मीटर क्यूब। ओके, सो वेट ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा केजी में, सीमेंट में वेट जो होता है केजी में होता है। सो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डेंसिटी ऑफ सीमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 1440 को 0.28 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 403.2 केजी। ये क्या हो गया मेरा वेट ऑफ सीमेंट हो गया, यानी 403.2 केजी जो है ये मेरा वेट ऑफ सीमेंट हो गया। अब चूंकि हमें पता है आप कोई भी सीमेंट किसी भी कंपनी खरीदे, चाहे बिरला की हो, चाहे एसीसी की हो, चाहे किसी भी की हो, एक बैग में कितना वेट होता है उस सीमेंट का, 50 केजी होती है, यानी वन बैग ऑफ सीमेंट कंटेन्स 50 केजी ऑफ सीमेंट। सो नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ बैग्स हो जाएंगे ये जो मेरा वेट आया है केजी में, यानी 403.2 केजी डिवाइडेड बाई 50 हमें दे देगा कितने नंबर ऑफ बैग हैं। तो क्या आ रहा है इसका 8.0, जो वैल्यू आई है कम्स आउट टू बी 8.064, तो नियरली 8 बैग्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। सो यानी नंबर ऑफ बैग्स कितने आ गए मेरे, 8 बैग्स आ गए। चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। अब फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सैंड, सैंड की कितनी क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए क्या होगा, इसका रेशियो कितना है 1.5, सो 1.5 डिवाइडेड बाय होल रेशियो 5.5 इनटू 1.54 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो ये कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड आ जाएगा 0.42 एम क्यूब। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस डाटा को, कई जगह रिक्वायरमेंट क्यूबिक फीट में होता है, ये मीटर क्यूब में है, सो 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। सो वॉल्यूम ऑफ सैंड क्यूबिक फीट में क्या हो जाएगा, ये 0.42 जो आपका आया है क्यूब में, इसको आप 35.3147 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूबिक फीट में आ जाएगा इसका वॉल्यूम। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.832, ये CFT, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक फीट 14.832। अब आता है वेट ऑफ सैंड, तो वेट ऑफ सैंड में क्या है, जो भी आपका वॉल्यूम आया है उसको आप डेंसिटी ऑफ सैंड जो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे 0.42 इनटू डेंसिटी ऑफ सैंड जो है ये वेरिएट करती है डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट तरह की सैंड होती है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हम लोग यूज कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ सैंड वो 1650 केजी पर एम क्यूब की है। तो 1650 केजी एम क्यूब जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 693 kg। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 693 kg, यानी सैंड होगा इस पर्टिकुलर उसमें। अब बात करते हैं एग्रीगेट की, एग्रीगेट कितना है। तो एग्रीगेट के वॉल्यूम को निकालने के लिए यहाँ पे रेशियो में कितना था, 3 ÷ WR 1.54। ओके, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 0.84 m³। ये आ जाएगी 0.84 m³। ठीक, अब 1 m³ में हमें पता है कितने होते हैं, 35.3147 cubic feet। तो जब आप 35.3147 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फीट में कितनी वैल्यू आएगी उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वांटिटी मेरी कितनी आएगी, यहाँ पे मैं 35.3147 को 0.84 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू जो आ रही है क्यूबिक फीट में 29.664 CFT यानी क्यूबिक फीट आ रहा है। ठीक, कोर्स एग्रीगेट की जो डेंसिटी है ये भी वेरिएट करती है, तो हम यहाँ पे 1520 लेके चल रहे हैं, यानी 1520, यानी 0.84 × 1520 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1276.8 kg जो है ये कोर्स एग्रीगेट आ रहा है। ठीक, अब जो लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करेगा फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर है। जैसे जनरली जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.1 से लेकर 0.5 तक जाता है, तो जो जनरली होता है वो 0.1 से लेकर हमारा 0.5 तक जाता है, वो होता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसमें देख लेते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो हम एज्यूम करके लेके चल रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम रेशियो है वो है क्या है, 0.5 लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था। जब हमने 0.5 ले लिया तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 403.2 kg मेरा आया था क्या आपका सीमेंट, क्योंकि यहाँ पे वाटर सीमेंट का रेशियो, तो ये हमने सीमेंट का रेशियो ले लिया, सीमेंट की क्वांटिटी ले ली कि क्वांटिटी है यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी ये है जो हमने कैलकुलेट की थी। दूसरा वाटर का जो रेशियो वो कितना है, 0.5 लेके चल रहे, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में मेरा कितना आएगा, 201.6 लीटर, यानी करीब 200 लीटर जो है वो पानी रिक्वायर होगा। सो ये पूरी कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो आएगी आप उसको देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और इस वीडियो को शेयर करें अपने सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मैं नए वीडियो के साथ मोटिवेट होकर साथ आपके सामने आऊँगा। अगर आपको कोई नए वीडियो के टॉपिक चाहिए तो कमेंट्स में डालें और उस कमेंट्स को नोट करके मैं नया वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसी चैनल पे आप हमारे बने रहें, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, और मैं नए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के साथ आऊंगा। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर्स भी लर्न करने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, स्टैट प्रो के, ई टाइप्स के, ऑटो कैट के भी मोर लेक्चर्स आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।